हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सेटअप गाइस। माय सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर सेटअप पे स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीडीए जेई। तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, जेई और ई के लिए, सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन डीडीए जेई के रिगार्डिंग यहाँ पे इस वीडियो में जाएगी। तो गाइज, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। डीडीए जेई जो रिक्रूटमेंट 2022 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। और आप लोग एक बार जरूर कंफर्म कर दो कि सभी को वॉइस एंड वीडियो सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रही है, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, क्वेश्चंस थे दिमाग में कि सर क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी के अलावा सिलेबस क्या है, तमाम तरह की एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन सब कुछ एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिला जिसमें डीडीए जेई में जूनियर इंजीनियर सिविल, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा जूम करके, गाइस इसको एक बार देखना आप लोग। डीडीए जेई में जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए 220 सीटें इस बार देखने को मिलेंगी, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए टोटल यहाँ पे 35 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, राइट। तो गाइज यहाँ पे इन दोनों ही पोस्ट में देखिए, लेवल 6 की जॉब है, ऑब्वियस सी बात है कि सैलरी ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे रहने वाला है यहाँ पे। और दोनों ही जो जेई की पोस्ट है, सिविल की बात करूँ या इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूँ, सिविल की इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें हैं। तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका, वो सारा कुछ, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न होगा आपका, इसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के, सिंगल मार्क का एक एक क्वेश्चन होगा देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे और मार्क्स ईच क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का होगा यहाँ पे। नहीं, आज इस स्पेशल इवेंट को कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट था, बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, कल इसके पेपर को भी सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और इसमें 120 क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, साथ साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये तो आपका नॉन टेक वाला पोर्शन हो गया जिसका वेटेज होता है 40 नंबर का नॉन टेक्निकल, जिसमें रीजनिंग इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे, रीजनिंग इसमें देखने को मिलेगी, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, और इन सब का वेटेज होगा 10-10 मार्क्स का। 10-10 नंबर के ये चारों पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे और 40 नंबर का ये नॉन टेक का पोर्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको 80 मार्क्स का आपका टेक्निकल, सिविल अगर ब्रांच है तो सिविल का, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का। केवल सिंगल एग्जाम होता है इसमें, केवल सिंगल एग्जाम, एक ही एग्जाम होगा, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, केवल सिंगल सिंगल डे एग्जामिनेशन, एक ही एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, इसमें बिल्कुल भी डाउट मत रखना। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ग्रेड पे कितना रहेगा, ये सारी चीजें। देखिए यहाँ पे ग्रेड पे के बारे में बता दूं, 4200 ग्रेड पे की जॉब है ये, ठीक है। एज का क्राइटेरिया जो होता है, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया था किसके लिए, जेई के लिए, जेई के लिए, जेई की जॉब के लिए 18 से 27 रखा गया था। उस बार भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की आई थी वैकेंसी, लास्ट वाली वैकेंसी, उसमें 18 से 27 साल थी। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, हालांकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों के दिमाग में, सर जेई वाले पोस्ट पे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली की जॉब है पर्टिकुलर, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे एलिजिबल होंगे क्या वो डिप्लोमा वाले ही होंगे या बीटेक वाले भी होंगे। तो देखिए इसका
इंतजार थोड़ा सा बस आपको करना होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा 11 तारीख को। कितने दिन बचे हैं? 4-5 दिन और बचे, 11 तारीख को प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, ठीक है। कट ऑफ क्या होगी? कट ऑफ इसका डिस्कस किया था, कट ऑफ लास्ट ईयर की कट ऑफ पे भी एक वीडियो अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। जनरली सिविल की बात करें तो लास्ट ईयर जो मतलब जो पिछली बार हुआ था एग्जामिनेशन, उसमें कट ऑफ गई थी 240 पोस्ट के करस्पॉन्डिंग सीटें थी सिविल में, इसी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। और सिविल में कट ऑफ गई थी जनरल के लिए लगभग 85 से 87 के बीच में, और इसी तरीके से 120 आउट ऑफ 120 में से, ठीक है। तो वो मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, वो इस पे वीडियो अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और गाइज यहाँ पे अगर बात करूँ मैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद, देखो डिप्लोमा वाले तो बिल्कुल एलिजिबल है ही, इसमें कोई संशय मत रखना, कोई डाउट मत रखना। जितने जितनों ने डिप्लोमा किया है वो तो 100% एलिजिबल हैं। बीटेक वाले थोड़ा सा इंतजार कर लो, बीटेक वाले भी एलिजिबल होंगे, बीटेक वाले थोड़ा सा इंतजार कर ले बस 11 तारीख तक। अब बात करते हैं सिलेबस में, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो आपको क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले सब्जेक्ट वो भी बताऊंगा, और एक बार सिविल इंजीनियरिंग के आपको सब्जेक्ट बताता हूँ, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन। देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, स्टार्ट होंगे क्या बैचेज आ भी चुके, बारे में भी बता दूंगा आपको। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है ना, इसमें देखो स्टील में सिलेबस में क्या लिखा है, इसमें देखिए पढ़िए एक बार। स्टील डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम बीम रूफ ट्रसेस एंड प्लेट गर्डर, जैसा जेई में लिखा रहता है उसी तरीके से आरसीसी में भी पूरे के पूरे टॉपिक बीम आपका स्लैब कॉलम सब कुछ लिखा हुआ है, टी बीम कॉलम वगैरह सब कुछ मेंशन है इसमें। इसके साथ साथ अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें, जो कि आरसीसी में आप लोग काफ़ी हद तक पढ़ लेते हैं, यहाँ पे मिक्स डिजाइनिंग, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्स प्लेसिंग, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है ना वो लिखा हुआ है यहाँ पे। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, डिटेल्ड टॉपिक, यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंट है, हाइड्रोलिक्स है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स है गाइज, सर्वे है, बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं दिख रहा है, आपको ये इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी आपको नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन जितने सब्जेक्ट हैं उनको बहुत कायदे से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन भी इनके बहुत ही जल्द होंगे, जो कि आपको स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 1/9/2022 से लेके 30/9/2022 से, मतलब 3 महीने का आपके पास प्रॉपर ये लोग समय दे रहे हैं। DSSSB में हुआ था चेंज, दीपक झा जी बिल्कुल बहुत सही बात पूछ रहे हैं कि सर इसमें सिलेबस क्या प्रोबेबली चेंज होगा क्या। मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा सिलेबस में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझसे पूछेंगे तो इसमें सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, राइट। और लास्ट में जैसे सिलेबस हो गया, आपको ये पूरी चीज़ें पता चल गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया, वैकेंसीज के बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं ना। हाँ, नेगेटिव मार्किंग एक पॉइंट रह रहा था, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक चीज़ और बच्चों का मतलब सवाल आता है कि सर मतलब जब पढ़ते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे सिलेबस आपने बताया, इसमें रीजनिंग वगैरह का या एप्टीट्यूड का, जनरल अवेयरनेस का ये पोर्शन कहाँ से पढ़े। तो देखो यार, आपको ये बता रहा हूँ मैं कि ये 10-10 नंबर के पोर्शन है, ठीक, और बहुत मायने रखेंगे ये आपके सिलेक्शन। अब यहाँ पे आप रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, और एप्टीट्यूड के लिए RRB JEE के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, या फिर आपके पास एप्टीट्यूड की, मैथ्स की कोई सी भी, आपका 10+2 लेवल की कोई सी भी किताब है, तो उस किताब को आप लगाना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। रीजनिंग के लिए SSC JEE वाला प्रीवियस ईयर, रीजनिंग के लिए SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ज़्यादा इधर उधर करना है। जनरल अवेयरनेस आप बहुत जगहों से पढ़ सकते हो, लूसेंट से पढ़ सकते हो जनरल अवेयरनेस, हाँ, लेकिन ये सोचोगे कि 10 नंबर के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा आपको,
जनरल अवेयरनेस में आपका सब कुछ आ जाता है, पढ़ना तो पड़ेगा इसके लिए, 10 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश के लिए आपको, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, इसके लिए आपको जहाँ भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस और एसएससी वगैरह के जो बुक्स आती हैं उनके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, बाकी एग्जामिनेशन के या फिर कोई भी आपके 10+2 लेवल की इंग्लिश आती है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैथ्स जिनकी अच्छी है, जिनकी रीजनिंग अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इंग्लिश को आप इम्प्रूव कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस को इतने समय में 20 नंबर है यहाँ पे, तो इसमें अच्छे कुछ मार्क्स पक्के कर सकते हो। साथ साथ में टेक्निकल सब्जेक्ट की तो पढ़ाई आप कंटिन्यू कर ही सकते हो, टेक्निकल सब्जेक्ट तो आपको फॉर श्योर देखने को मिलेंगे ही। सारे सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका पोर्शन वीक है अभी उनको पढ़ो। पहले स्टार्ट कैसे करना है, अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आज से मैं ये कहूँगा कि जो वीक सब्जेक्ट, जैसे किसी को इन्वायरमेंट टफ लगती है तो इन्वायरमेंट ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, किसी को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टफ लगती है तो स्ट्रक्चरल पढ़ना स्टार्ट कर दो, नेशनल ही पढ़नी पड़ेगी सलोनी, ठीक है। जीके, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल किसके लिए पूछ रहे हो, जनरल अवेयरनेस के लिए पूछ रहे हो ना, हाँ पूरा ओवरऑल इंडिया का ही। और जनरल अवेयरनेस में बहुत बेसिक फिजिक्स वगैरह भी आपको देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आती हैं। मैथ्स डिटेल सिलेबस के चक्कर में मत जाओ भैया, डिटेल सिलेबस के चक्कर में क्या, डिटेल सिलेबस हर जगह अवेलेबल है, वही सारा सिलेबस है। जो मैथ्स आती है आपके आरआरबी में वही मैथ्स आएगी यहाँ पे, आरआरबी का सिलेबस फॉलो कर लो, आरआरबी जेई का सेम मैथ्स, मैथमेटिक्स में तो कोई चेंज नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, आपको सही तरीके से परफॉर्म करना है अगर एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे आपको इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी एनी हाउ, आपको किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पास इतना बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि जिसको आप ऐसा सोचते हो कि मतलब धीरे धीरे भी करूँगा तो, क्योंकि सब्जेक्ट अगर काउंट करोगे ना तो सब्जेक्ट में देखो बिल्डिंग मटेरियल है, सर्वे है, सॉइल मैकेनिक्स है, ये तीनों ही बोनस सब्जेक्ट हैं। जैसा मैंने बोला था ना कि आपको बताऊंगा, बोनस सब्जेक्ट टेक्निकल में आपके ये तीनों, यहाँ से स्कोर कर सकते हो अच्छा। प्रॉब्लम किसी को होगी तो, किसी को प्रॉब्लम होगी तो स्ट्रक्चर में हो सकती है, क्योंकि जेई लेवल पे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ज़्यादातर स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं आते हैं, तो स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में तो स्ट्रक्चर इंप्रूव करिए, पढ़िए, मैं भी आपको कोशिश करूँगा क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में किसी को प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव कीजिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आसान है, यहाँ से क्वेश्चन टफ नहीं बनेंगे क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल का भी और आरसीसी का भी पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप ओवरऑल पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। किसी को भी कोई भी डाउट होगा इसके अलावा तो जरूर आप लोग पूछिए। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मैं कल कराऊंगा डीडीए के, ठीक है, डीडीए के, डीडीए जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको कल यूट्यूब चैनल पे ही करा दूंगा, 8:30 बजे वाले सेशन में, 8:30 PM, तो सेशन में जरूर जुड़िएगा। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे किसी भी जेई एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वैकेंसीज के फॉर्म को जरूर भरिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो, आप एज वगैरह लिमिट के अंदर हैं तो जरूर भरिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेटर। और अभी फिलहाल में गाइज आप सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी 400 वैकेंसीज इंजीनियर्स के लिए निकली हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जिनको भी पढ़ना है कायदे से, बैचेस में पढ़ना है, बैचेस ज्वाइन करना है, बैचेस के बारे में भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको जिसको भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन करके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। ये सेपरेट बैच डीडीए का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको Ada247 के एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। और जिनके पास महापैक होगा उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके इस महापैक के अंदर ये भी इंक्लूड होगा। जैसा कि मैंने बोला, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, सभी जेई के और एई के बैचेस जितने भी आते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी पैकेज आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट किसी को भी चाहिए तो कूपन कोड ये है Y293। कहाँ से ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करना है Ada247 के एप्लीकेशन, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करिए मोबाइल में, इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए, सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए, वहां से जाके डीडीए जेई सर्च कर सकते हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग वहां पे, इसमें तो टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग। तो और बैच के प्राइस लगभग डीडीए वाले की 2600 पड़ जाएगी और ये 2900 6 मंथ के लिए, इस कूपन कोड को लगाने के बाद, Y293 डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करने के बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, जो
जो भी पढ़ना चाहते हैं बच्चे रेगुलर बेसिस पे सारे सब्जेक्ट को, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सभी ब्रांचेस के लिए हैं, इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है, इसी तरीके से मैकेनिकल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, एप्लीकेशन पे आपको सारा ही दिख जाएगा। ओके।